श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ, जिसका कि आप स्वाध्याय, महान स्वाध्याय उपयोगी ग्रंथ, जिसका कि आप सार सुन रहे हैं, भव्यात्मा यह ग्रंथ अपने आप में अति महत्वपूर्ण और माता मोहिनी को दहेज में प्राप्त हुआ ग्रंथ, विचार करके देखा जाए तो सचमुच में जिन वचन औषध मिलम, जिनेन्द्र भगवान के वचन औषध स्वरूप हैं, और जिस ग्रंथ के माध्यम से वो औषधि स्वरूप, रसायन स्वरूप वचन हमें प्राप्त हो जाएं, वो ग्रंथ हमारे लिए वरदान बन जाता है। भव्यात्माओं, ये वही ग्रंथ है जिसने मेरी माँ को गृहस्थाश्रम में योग्य गृहिणी बनाकर अंत में हारिका रत्नमती के पद को प्राप्त कराया। इस ग्रंथ के प्रभाव से, इस ग्रंथ के स्वाध्याय से जिन्होंने अपने गार्हस्थ जीवन को सफल करके और हम जैसी कन्या रत्नों को जन्म देकर अपने गार्हस्थ जीवन को धन्य किया, अनंतर हारिका रत्नमती बनकर अपने मनुष्य पर्याय का सार प्राप्त कर लिया। भव्यात्माओं, ये वही ग्रंथ जिसके स्वाध्याय से मैंने बचपन से जैन वांग्मय के सार को समझकर, रहस्य को समझकर, मर्म को समझकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करके और अपने जीवन को संयम के पथ पर अग्रसर किया। भव्यात्माओं, इसमें आज मैं आपको सुनाऊंगी सातवां अध्याय, देशव्रतोद्योतन। इस सातवें अध्याय में देशव्रतोद्योतन का अर्थ है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ देश व्रतों को धारण करके देशव्रती कहलाता है। ये देशव्रत क्या है? आचार्य देव ने विशेष रूप से इनका विस्तार किया है, किंतु मैं संक्षेप में सार रूप में आपको बताऊंगी। आचार्य देव कहते हैं कि संप्राप्तेत्र भवे कथम कथम अपि द्राघी ऐसा ने ऐसा मानुष्य सुच दर्शने च महता कार्यम तपो मोक्षदम। भव्यात्मा, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और सुचि दर्शन, अगर निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो क्या करना चाहिए? मानव का कर्तव्य है कथम अपि, बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयास से, बड़े पुरुषार्थ से, कई जन्म के पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली और श्रेष्ठ सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि कार्यम तपो मोक्षदम, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, मोक्ष को देने वाला, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला ऐसा तपश्चरण करे। और नोचेत, यदि इतनी शक्ति नहीं है, लोक निषेध तो अथ महतो मोहाद सत्य रथो, कदाचित परिवार के लोग नहीं दीक्षा लेने देते हैं, अथवा अपनी शक्ति नहीं है, अभी मोहिनी का रूप क्षीण नहीं हुआ है, चारित्र मोहिनी का उदय है, तो तत्तदा गृहवताम षट कर्म योग्यम व्रतम संपद्येत। गृहस्थ के योग्य जो षट क्रियाएं हैं उनको प्राप्त करें, अर्थात गृहस्थ धर्म का आचरण करें। भव्यात्मा, कई बार मैं चिंतन किया करती हूँ, सचमुच में आपको मैंने सुनाया भी है, जैन रामायण पद्म पुराण में भी श्री आचार्य द्वितीय भट्टारक महान आचार्य हुए हैं, 9 लाख वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के समय अयोध्या नगरी में विराजमान थे, मुनिसुव्रत भगवान के मंदिर में। जब भरत विक्षिप्त बना, बार बार निवेदन करते हैं जाकर के, भगवान श्री राम के वापस आने के बाद मैं जैनेश्वरी दीक्षा ले लूँगा, तो महान आचार्य कहते हैं कि हे भव्यात्मन, जब तक रामचंद्र नहीं आते हैं तब तक के लिए गृहस्थ धर्म का तो आचरण कर, गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कर, यह गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। भव्यात्मा,
उस समय आचार्य दुति भट्टारक ने, आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर गृह धर्म का वर्णन किया है। आप पद्म पुराण पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पद्मनंदी आचार्य भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हे विभात्माओं, पहले तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कर्तव्य हो जाता है कि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ऐसा तपस्तरण करें, दीक्षा लेने साक्षात मोक्ष पुरुषार्थ में लगें, और यदि नहीं कर सकते हैं इतना कार्य तो धर्म अर्थ काम अनर्गल इनमें बाधा न पहुंचाते हुए क्रमशः इनका सेवन करें। भव्यात्मा द्रंग मूल व्रतमष्टधा तदनुच सात पंचधाणुव्रतम शीलाक्षम च गुणव्रतम त्रयवतः शिक्षाश्चतस्रः पराः रात्रौ भोजन वर्जनम शुचिपटात् पेयम पयः शक्तितो मौनादिव्रत वप्यनुष्ठित विदम पुण्याय भव्यात्मना। यह गृहस्थ धर्म है। द्रंग मूलम सम्यक दर्शन, ये मूल है, जड़ है, नींव है। सम्यक दर्शन को धारण करके मिथ्यात्व का त्याग करो। ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, मैं शरीर स्वरूप ही हूँ, बस पंचभूत से उत्पन्न हुआ शरीर अथवा भूत चतुष्टय से बना शरीर सोई मैं हूँ, नहीं आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये भेद विज्ञान, ये दृढ़ श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है। जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझना, बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक मान लेता, बहिरात्मा और अंतरात्मा शरीर और आत्मा को भिन्न पृथक समझकर जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करने वाला अंतरात्मा अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। इस प्रकार आत्मा के तीन भेद को समझना सम्यक दर्शन। व्रतम अष्टधा और आठ मूल गुण को धारण करना, पंचोदम्बर फल और मध्यमास मधु तीन मकार का त्याग करना, अष्ट मूल गुण। पुनः तदनु सात पंचधाणुव्रतम, फिर पांच अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचार्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह का प्रमाण भव्यात्मा है पांच अणुव्रत। पुनः शीलाख्यम च गुणव्रतत्रय मतः शिक्षाश्च तस्रः पराः। सात शील कहलाते हैं, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन व्रत, अनर्दन त्याग व्रत और सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संभाग व्रत, ये चार शिक्षा व्रत हैं। तो भव्यात्मा रात्रो भोजन वर्जनम, रात्रि भोजन का त्याग, शुचिपटात् पेयम पयः शक्तितो और दोहरे छन्ने से, दोहरे वस्त्र से, मोटे वस्त्र से पानी को छान कर पीना, जल छान कर पीना, ये श्रावक का कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य, गृहस्थ का धर्म। भव्यात्माओं स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी अनछना जल उपयोगी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद है और धर्म के लिए भी हानिप्रद है। जीव हिंसा बताई है, उसमें त्रिजीवों का घात होता है। तो भव्यात्माओं और मौन आदि व्रतम अपि अनुष्ठित मृदम और यथासमय मौन आदि का धारण करना आदि, ये सब गृहस्थाश्रम में पालन करने योग्य व्रत हैं। भव्यात्मा इन व्रतों को पालन करना, ये देशव्रती कहलाते हैं। इन व्रतों को पालन करने वाले गृहस्थाश्रम में रहने वाले भव्यात्मा देशव्रती कहलाते हैं और वो परंपरा से मोक्ष को तो प्राप्त करेंगे ही। यह नियम है कि अणुव्रती स्वर्ग ही जाएंगे, किसी भी गति अन्य गति में नहीं जा सकते, नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति के सिवाय देवगति को ही प्राप्त करेंगे, ये नियम है। पशुओं ने यदि अणुव्रत धारण कर लिया, शेर ने और हाथी ने स्वर्ग को प्राप्त किया है, आप इन उदाहरणों को अनेक बार सुन चुके हैं। तो भव्यात्मा आचार्य देव यहाँ कहते हैं बहुत सुंदर बात कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए श्रावकों का कर्तव्य, तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दानम प्रकृष्टो गुणः। जो देव आराधन भी कर रहे हैं, देव पूजा भी कर रहे हैं और भी अनेक धर्म कार्य करते हैं पुण्योपार्जन हेतु प्रतिदिन करते हुए भी, अगर वो धनवान हैं तो उनका कर्तव्य है
कि दानम प्रकृष्टो गुणः, दान ही उनका प्रकृष्ट सर्वश्रेष्ठ गुण है। देश वृद्धारी का दान ही प्रकृष्ट गुण है भव्यात्माओं। और ये हमेशा ध्यान रखना, इच्छा अनुसार धन कभी किसी को न हुआ है न होगा। इसलिए जितना धन है, जो कुछ आपके पास है, उसी में देयात इस्तोकम अपि इस्तोकम ना अपेक्षा ना व्यपेक्षा महोदय, थोड़े में भी थोड़ा आप देते रहिए। क्योंकि दान 10 गुना होकर नहीं, 100 गुना होकर नहीं, 1000 गुना होकर फलता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो आचार्य जो यहाँ क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ये कहते हैं देखो, सर्वो वांछति सौख्यमेव तनुभृत मोक्ष एव स्फुटम, तन मोक्ष एव स्फुटम। सभी संसार में सुख चाहते हैं, सभी जितने भी प्राणी सुख चाहते हैं, और मोक्ष में ही है। और दृष्ट्यादि त्रय एव सिद्धत से तद निर्ग्रंथ एव स्थितम, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीन से ही वो मोक्ष प्राप्त होता है। तीन की एकता, तीनों को धारण करना ही मोक्ष मार्ग है। तो भव्यात्माओं, तन निर्ग्रंथ एव स्थितम, वो निर्ग्रंथ अवस्था में ही स्थित है। यानी निर्ग्रंथ दिगंबर महासाधु ही रत्नत्रय को पूर्ण रूप से पालन करने वाले होते हैं। तद वृत्तिर्वपसोच्य वृत्तिरसरात तदीय ते श्रावक ही काले क्लिष्ट तरेपि मोक्ष पदवी प्रायस्ततो वर्तते। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य देव, बहुत ही सुंदर बात। वो कहते हैं भव्यात्माओं, निर्ग्रंथ मुनि उनके शरीर की स्थिति आसनात भोजन से होती है, भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि आज काले कृष्ण तरे इस पंचम काल में समझ लीजिए श्रावकों ने ही मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया हुआ है। श्रावक ही मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने वाले हैं, क्योंकि श्रावक दान देते हैं, उस दान आहार दान देते हैं, आहार दान से साधुओं के शरीर की स्थिति होती है, वो रत्नत्रय का पालन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भव्यात्मा, इसीलिए आचार्य ने दान को महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ इन्होंने आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, इनमें अभय दान को और भी महत्वपूर्ण कहा है। भव्यात्माओं, आप देखें अभय दान, जीवन दान, जीवों की रक्षा का दान, आहार दान तो आप जानते ही हैं, औषधि दान प्रासु वस्तु को साधुओं को देना या किसी को भी देना, औषधि दान, शास्त्र दान ग्रंथों को छपाकर वितरित करना, लोगों को देना, गुरुओं को देना आदि, ये शास्त्र दान। और अभयदान क्या है, जीवों की रक्षा। मृगसेन धीवर, मृगसेन धीवर ने एक मछली की अपने जीवन में गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु के पास नियम लेकर 5 बार एक मछली की रक्षा की। 5 बार एक मछली को उसने जीवन दान दिया, कालांतर में मरकर धन कीर्ति सृष्टि हुए और 5 बार मृत्यु के मुख से बचे। अनंतर गुरु के मुख से अपने पूर्वों को सुनकर विरक्त बना, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कर ली। आगे सर्वार्थ सिद्धि में अहविंद्र हो गए हैं, आगे आकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो देखिए आप, एक मृगसेन धीवर, अभयदान देने वाला, एक मछली को 5 बार बचाने वाला धीवर, और उसने अपने जीवन का इतना उत्थान किया, अगले भव में मर करके धन कीर्ति सेठ होकर के और सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो भव्यात्माओं, इन दान की महिमा को समझ करके और आप इस ग्रंथ के सार को समझें, स्वाध्याय करें और अपने जीवन को इस प्रकार अभय दान आदि से विभूषित करते हुए मनुष्य पर्याय के सार को प्राप्त करें, यही प्रेरणा और मंगल आशा।